हाँ जी, क्या हाल है एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है आई मूवी हिंदी ट्यूटोरियल का तीसरा वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं वॉइस ओवर्स अपने मूवीज में और उसमें डाल सकते हैं इस तरह के इफेक्ट्स। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। स्वागत है आप सबका आई एम डिजिटली ऑज यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डीडी आपका यार, और ये है टेक मंगलवार। वॉइस ओवर स्टार्ट करने से पहले हम चेक करेंगे ये दो सेटिंग्स। इसके लिए हम जाएंगे सिस्टम प्रेफरेंसेस में, और उसके बाद जाएंगे साउंड में, और यहाँ पे इनपुट वाले ऑप्शन में हम सेलेक्ट करेंगे यूएसबी माइक्रोफोन। इसके बाद जाएंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, और यहाँ पे माइक्रोफोन वाले ऑप्शन में हम एनेबल कर देंगे आई मूवी। तो मैं आ गया हूँ आई मूवी में, जहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ iOS 13.4 का एक नया फीचर जिसका नाम है ऑलवेज लिसन टू हे सिरी। तो ये मेरा इंट्रो वीडियो है, और उसके बाद है ट्यूटोरियल वीडियो, और नीचे है बैकग्राउंड म्यूजिक। एक बार इसको बिना वॉइस ओवर के प्ले करके देखते हैं। तो मेरा ट्यूटोरियल वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आइडियली मेरा वॉइस ओवर भी यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं कर्सर को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, और उसके बाद प्रेस कर दूंगा ये माइक वाला आइकन। यहाँ पे हमारे पास एक रिकॉर्ड वाला बटन आ जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप रिकॉर्ड बटन दबाएंगे तो आई मूवी आपको 3 सेकंड का काउंटडाउन देगा, ताकि आप अपने वॉइस ओवर के लिए रेडी हो सकें। तो इसको प्रेस कर देंगे। इसके लिए जाएंगे हम सेटिंग्स में, उसके बाद जनरल में, और नीचे स्क्रोल करके जाएंगे ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी में, और राइट में चूज करेंगे ऑप्शन सिरी का, और इंश्योर करेंगे कि ऑलवेज लिसन टू हे सिरी ऑप्शन एनेबल्ड है। तो यहाँ पे हमारा वॉइस ओवर रिकॉर्ड हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें बैकग्राउंड म्यूजिक पे। यहाँ पे जैसे ही वॉइस ओवर स्टार्ट होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक ऑटोमेटिकली फेड आउट हो जाता है और थोड़ा सा कम हो जाता है। इस इफेक्ट को डकिंग इफेक्ट कहते हैं। ये आई मूवी में ऑलरेडी बिल्ट इन है कि जब भी आप वॉइस ओवर करें तो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक कम हो जाए, ताकि वॉइस ओवर सही तरीके से सुनाई दे। एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। इसके लिए जाएंगे हम सेटिंग्स में, उसके बाद जनरल में, और नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी में, और राइट में चूज करेंगे ऑप्शन सिरी का, और इंश्योर करेंगे कि ऑलवेज लिसन टू हे सिरी ऑप्शन एनेबल्ड है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही मेरा वॉइस ओवर स्टार्ट होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक फेड आउट हो जाता है और उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, और वॉइस ओवर ख़त्म होने के बाद बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाता है। इस डकिंग इफेक्ट को हम और भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सिर्फ प्रेस और होल्ड करेंगे आर का बटन हमारे कीबोर्ड पे, और उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक के उस हिस्से को सेलेक्ट कर लेंगे जिसका वॉल्यूम हमें कम करना है, और उसके वॉल्यूम को कम कर देंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह हम वॉइस ओवर वाले लेयर को भी ट्रिम कर सकते हैं, और उसमें भी किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर राइट क्लिक करके स्प्लिट क्लिप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम वॉइस ओवर में और एडिटिंग कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे वॉइस ओवर का लेयर, और यहाँ पे वॉल्यूम वाले ऑप्शन में हम इसको ऑटो एनहेंस कर सकते हैं। हम इसके वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं बैकग्राउंड नॉइज़ को, तो सेलेक्ट करेंगे ये वाला ऑप्शन, और उसके बाद एनेबल कर देंगे रिड्यूस बैकग्राउंड नॉइज़, और आप इसके परसेंटेज को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं बेस या ट्रेबल अपने वॉइस ओवर में, तो जाएंगे इस इक्वलाइजर वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम रिडक्शन, बेस बूस्ट या ट्रेबल रिड्यूस। एक और कूल चीज़ है जो आप कर सकते हैं वॉइस ओवर्स के साथ आई मूवी में, वो है कि आप अपने वॉइस को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए जाएंगे और क्लिक करेंगे इन 3 डॉट्स पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है ऑडियो इफेक्ट। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको चूज़ करके हम अपने वॉइस को चेंज कर सकते हैं आई मूवी में। तो आइए कुछ एग्जांपल्स सुन लेते हैं। इसके लिए जाएंगे हम सेटिंग्स में, उसके बाद जनरल में, और नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी में, और राइट में चूज करेंगे ऑप्शन सिरी का, और इंश्योर करेंगे कि ऑलवेज लिसन टू हे सिरी ऑप्शन एनेबल्ड है। इसके लिए जाएंगे हम सेटिंग्स में, उसके बाद जनरल में, और नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी में। और इस तरीके से आप कर सकते हैं वॉइस ओवर आई मूवी में, और ऐड कर सकते हैं ढेर सारे इफेक्ट्स। तो यार, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, और आई मूवी हिंदी ट्यूटोरियल का नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, क्योंकि उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ
कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं ऐसे वाले ग्राफिक्स अपने वीडियो में। तो इस वीडियो को मिस मत करना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे मिलने आऊँगा थर्सडे को 2 मिनट थर्सडे के नए वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।